अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। और आज जो हम आपके सामने काफ़ी अच्छी अपडेट देने वाले हैं, और ये वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये वीडियो। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। My channel subscribe bell icon press like and share। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुवैत के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल वगैरह देख लिया होगा, तो कुवैत से रिलेटेड थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वीडियो कुवैत से भी देखते हैं, दुबई से भी देखते हैं, सऊदी अरब से भी, काफ़ी सारे कंट्रीज से देखते हैं। तो सभी से जो है सभी के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ, और एक दुबई की भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो कि आपको बताना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कुवैत की, दुबई के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा तो वो भी ज़रूर देखिएगा आप। और मैंने कल वीडियो बनाया था एक जो कि कुवैत के रिलेटेड जो अनलीगल कैंडिडेट कुवैत में रह रहे थे, जो वर्कर रह रहे थे, तो वो अपने देश जो है कैसे वापस आ सकते हैं, तो वो वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है। अगर वो नहीं देखा है तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो भी जाकर आप देख सकते हैं, और पूरी जानकारी लेने के बाद में आप अपने देश वतन वापस आ सकते हैं, अपने फैमिली में मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो कुवैत की गवर्नमेंट ने बोला है, जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक के जो वर्कर काम करते हैं तो उनकी सैलरी बिल्कुल कट नहीं होगी, उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, पूरी सैलरी आपको दी जाएगी। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जो आप सैलरी थी वो आपको उससे कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सैलरी पूरी मिलेगी। दूसरी जो है कुवैत में, जैसे कि आपको मालूम था पिछले दिनों में अभी पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो पानी वगैरह जो था अभी बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो अपडेट है वो पानी के टैंकर चालू किए गए हैं, दोबारा सप्लाई चालू कर दी गई है, तो अभी आपको पानी को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और तीसरी अपडेट जो है वो एम्बेसी के रिलेटेड है। अगर आप एम्बेसी में, जैसे कुवैत की गवर्नमेंट जो बोलती है अगर उसका पालन नहीं करते हैं, तो इंडियन एम्बेसी ने भी बोला है जो कुवैत गवर्नमेंट बोलती है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलते हैं तो किसी तरह से वो आप पे अगर फ़ाइन वगैरह डालते हैं, अगर आपको अरेस्ट कर लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी एम्बेसी नहीं लेगी, क्योंकि अगर आप कहीं का भी कानून तोड़ते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, तो उसमें आपको सज़ा उसकी भुगतनी पड़ेगी, और हो सकता है इस दौरान आपको पेनल्टी भी काफ़ी अच्छी पड़ जाए, क्योंकि आपको पता है ये देशों में अरबी जितने भी देश हैं तो उनमें जो रहती है पेनल्टी वगैरह काफ़ी अच्छी पड़ जाती है, इतना आप कमा भी नहीं पाएंगे जितनी पेनल्टी पड़ जाएगी। तो आप जो भी कुवैत के गवर्नमेंट बोल रही है जिस तरह से, तो आप उसको पूरा कीजिए, और किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर, एक मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं। आप तीसरी चौथी अपडेट जो है वो है सिविल आईडी के रिलेटेड। अगर आपके पास में सिविल आईडी नहीं है कुवैत में, अगर आप नए गए हैं या आपकी आईडी एक्सपायर हो गई है, तो आपको मैं एक नंबर दूंगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके जो है आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जैसे कि अभी आपको मालूम है कि आपकी सिविल आईडी नहीं है तो आपको कहीं भी किसी भी जगह कोई भी सामान नहीं मिल पाएगा, तो उस रिलेटेड मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और उस नंबर पर जैसे ही आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। नंबर नोट कर लीजिएगा, 1-888-9988, ये कुवैत का हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको सिविल आईडी से जो है रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इस पर ले सकते हैं। तो ये काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ थी कुवैत की, तो मैंने सोचा कि आपके सामने ये न्यूज़ बताई जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आके शेयर करें। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से देख रहे हैं तो कुवैत में ज़रूर पहुँचाइए अपने जानने वालों के पास में, अपने पहचानने वालों के पास में, ताकि वो सारी चीज़ों का लाभ ले पाएँ। और इसी तरह से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और जैसे ही कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, उससे हमारा हौसला अफजाई होता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।